इस वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदूवादी नेता एसएस टाइगर को बालोतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ शब्द कहे थे। आखिर ऐसा कौन सा शब्द था, ऐसा कौन सा ऑडियो था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हो गए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मैं पर गोरक्षा कमांडो फोर्स के अध्यक्ष एसएस टाइगर को जेल में डाल दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो ऑडियो और वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि एसएस टाइगर ने यहाँ पर बोला था माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। तो आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है, आप हमें देखकर कमेंट में जरूर बताएं कि एसएस टाइगर ने सही बोला था, नागरिक संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन किया था और यहाँ पर अशोक गहलोत का उन्होंने जमकर विरोध किया था और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा था राजस्थान सरकार को, तो इसकी वजह से उन्हें जेल में कैद किया गया। तो आप वीडियो देखकर अपनी राय कमेंट में जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए देखते हैं एसएस टाइगर ने क्या कहा था अपने वीडियो में। आपने मेरा ऑडियो जो है ना, जिस तरह से मेरा ऑडियो उस तक पहुंचाया है और उसको तकलीफ हुई और उसने मुझे फोन करवाया, वैसे ही लाइव भी उस तक पहुंचना चाहिए। ये लाइव भी उस तक पहुंचना चाहिए, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, 994 बन के पूरा हो रहा है और आप शेयरिंग करते जाना। आप शेयरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, आज की शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो बात है ना, ये उस तक पहुंचाना जरूरी है। ये बोलिए आप वीडियो कटिंग करके डालो, कैसे भी डालो, राजस्थान के सीएम तक 1000 लोग लाइव देख रहे हैं, राजस्थान के सीएम तक ये बात पहुंचनी चाहिए, समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, सुनो मेरी बात। मैंने एक ऑडियो, पहले मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ कि मैंने क्या बोला था उसको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, एक मिनट। हाँ, जिन जिन लोगों ने नहीं सुना है वो उन लोगों को सुना देता हूँ मैं एक बार। गेट बंद कर देना है, आवाज़ नहीं आया अंदर ताकि। जुड़ जाए, जुड़ जाए, जल्दी से जल्दी शेयर करें। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, बढ़िया छोटा सा ऑडियो है, पहले वो ऑडियो सुन लो एक बार आप। ये नहीं, हाँ सुनना अभी ऑडियो, आप शेयरिंग अपना शेयर करते रहना, मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूँ, ठीक है। आप जो है शेयरिंग करते रहना, दो मिनट फोन बंद कर देता हूँ क्योंकि किसी का फोन आएगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ अब सुनना आप ऑडियो, 1100 लोग बिल्कुल शेयर करते रहे, मैं आपको पहले ऑडियो सुनाता हूँ फिर बात करता हूँ मैं। वंदे को मातरम। अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि राजस्थान का एक बोबड़ा जो अपना आपको मुख्यमंत्री समझता है और वो ये कहता है कि मैं राजस्थान के अंदर ये बिल लागू नहीं करूंगा, तो क्या तेरा बाप भी इस बिल को लागू करेगा। और राजस्थान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस बोबड़े को बोलना नहीं आता, हमेशा हिंदुओं के विरोध में गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसको तुमने सीएम तो बना दिया है, परंतु देख लो तुम्हारी पाँव में फूट रहे हैं, ये देख लो तुम्हारी पाँव में आग जला रहा है, ये हिंदुओं के और देश के विरोध में ये बयानबाजी कर रहा है ये बोबड़ा। तो राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी है कि जिस बेवकूफ को तुमने मुख्यमंत्री बना दिया है वो देख लो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, उसको जवाब देने के लिए जैसे ये सड़कों पर उतरता है वैसे आपको भी सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुलाब सिंह जी कटारिया को जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि तू तो क्या तेरी सात पीढ़ी भी करेगी, और मेरा भी ये कमिटमेंट है कि तू तो क्या तेरा बाप भी उसमें ये लागू करेगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान तेरे बाप का नहीं है, राजस्थान की जो जनता है वो समझती है अच्छा भला बुरा। और ठीक है, ये वसुंधरा जी के जो खिलाफ जो हवा चली थी उसमें कहीं इनकी गलती से सीएम बना दिया, मगर तुम्हारे कई कामों की कोई अच्छे काम किए तो प्रशंसा भी करें, मगर तुम अगर देश के विरोध और सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई गतिविधि को बढ़ावा दोगे तो मुंह तोड़ जवाब ही नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये भी कान खोल के सुन ले। धन्यवाद अशोक गहलोत, तक मेरी आवाज को पहुंचाने में आप सब लोग। ये है ऑडियो, ठीक है। अभी आपने अशोक गहलोत का एक वीडियो देखा होगा, सुनो मेरा ये ऑडियो अशोक गहलोत तक पहुंचा दिया आप लोगों को। मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि आपने जो भाई कह रहे हैं ना कि सीएम को गलत नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको भी जवाब दूंगा मैं एक बार। आप लोग जुड़े जाए शेयर करते जाए, 1200 लोग लाइव देख रहे हैं। ये ऑडियो मेरा अशोक गहलोत तक आप लोगों ने पहुंचाया। अब अशोक गहलोत की तरफ से मेरे पास फोन आता है, कि तूने मेरे को ऐसा कैसे बोला, तुमने मेरे को ऐसा कैसे बुलवाया, ऐसा वैसा समथिंग समथिंग लोग फोन कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो पहले तो अशोक गहलोत का जो बयान है वो मैं आपको बताता हूँ, जो दिन आपने सबने देखा होगा वो मुख्यमंत्री है, मैं तो छोटा सा समाज सेवी हूँ, मैं गौरक्षक हूँ, मैं और कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं किसी के बाप से ना डरता हूँ ना किसी का सपोर्ट करता हूँ, जो गलत करेगा उसकी धज्जा उड़ाऊंगा मैं।
तो राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत ये कहता है कि हाँ ये बराबर नहीं है, ये एनआरसी और सीए राजस्थान के अंदर लागू नहीं करेंगे। कि तुम्हारा बाप का है क्या राजस्थान? तेरे बाप का है राजस्थान तेरे, जो तू लागू नहीं करेगा? केंद्र से कानून लागू होता है और तू बोलता है कि लागू नहीं करेंगे हम लोग। राजस्थान तेरे बाप का है क्या? तेरे को सीएम बनाया है, जनता का नौकर बनाया है तेरे को। जनता का नौकर है तू, जनता का नौकर है तू, तू जनता का नौकर है। सुन ले अशोक गहलोत सीएम ऑफ राजस्थान, तू जनता का नौकर है और नौकर बनते जनता की सेवा कर, नौकर बनते बन के जनता की सेवा कर, जनता का बाप बनने की कोशिश मत कर। एनआरसी लागू नहीं करूंगा, सीए लागू नहीं करूंगा, तेरा बाप का है क्या राजस्थान? कांग्रेस से कहना चाहो, गलत कमेंट करना मत, ठीक है? वो बंदा ये कहता है, और गुलाब संजीव कटारिया को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उसको जवाब दिया, उन्होंने उसको जवाब दिया कि तू तो क्या तेरी सात पीढ़ी भी कानून लागू करेगी। और कानून लागू हुआ, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को वहां पर यहाँ पर नागरिकता मिली, जिसका प्रमाण मैंने फेसबुक पर डाला है, आंखें खोल खोल कर देख लेना, आंखें खोल के देख लेना। और दूसरी बात, जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे सिरमौर को ऐसा बोल दिया, तो तुम्हारे सिरमौर को है ना पड़ीका करके घर में बिठा दो, 4x4 की बेडरूम में बिठा दो, इस्तीफा दिला दो, उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। सीएम होगा कहीं का भी, अगर कोई भी सीएम हो या पीएम हो, पहली बात तो देखो कि सीएम हो पीएम हो नेता की कोई जाति नहीं होती, ठीक है? उसकी कोई जाति नहीं होती। तुम्हारा सीएम अजमेर की दरगाह माता फोड़ने के लिए गया था, चादर चढ़ाने के लिए गया था, टोपी पहन के यूं कर रहा था, तब तुम लोग कहां मर गए थे? कहां मर गए थे तुम लोग? और आज वो व्यक्ति खुले मंच पर बोलता है कि मैं राजस्थान के अंदर एनआरसी और सीए लागू नहीं करूंगा। और जब एसएस टाइगर ने उसकी धज्जियां उड़ा दी तो तुम लोगों को जलन हो गई। उखाड़ लेना मेरा, जो उखाड़ लेना चाहो टाइगर का, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। अगर कोई व्यक्ति रोंगियों का सपोर्ट करेगा, कोई व्यक्ति घुसपैठियों का सपोर्ट करेगा, कोई व्यक्ति देशद्रोही गद्दारों का सपोर्ट करेगा, कोई व्यक्ति हिंदू गतिविधि का विरोध कर, हिंदुओं का विरोध करेगा, तो उसको नंगा करूंगा। 1300 लोग लाइव देख रहे हैं, नंगा करूंगा उसको। समझ रहे मेरी बात को? जब उन्होंने पद्मना के अंदर अच्छा काम किया, हमने समर्थन किया, सपोर्ट किया, वाह वाह करी उनकी, धन्यवाद दिया। जब अच्छा काम करेगा, सीएम है भाई, अच्छा काम करेगा तो अच्छी बड़ाई करेंगे, और बुरा काम करेगा तो ठोकेंगे भी हम पिछवाड़े से। समझ गए मेरी बात को? और फोन करना मत गलती से भी। हाँ, मैं अपने आप को बहुत शांति से, मैं अपने आप को चाहता हूं किसी को गलत नहीं बोलूं, मगर मजबूर करना मत। होगा कहेगा ये कांग्रेसी लोग जो भी मुझे फोन कर रहे हैं ना, साथी ठोक के कहता हूं बीजेपी का समर्थक हूं। सही काम करने पर, अगर बीजेपी वाले गलत काम करेंगे तो बीजेपी वालों को भी नहीं छोड़ा मैंने। परंतु कोई व्यक्ति राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर बैठकर ये कहता है कि मैं एनआरसी और ये लागू नहीं करूंगा, तो उसके बाप का नहीं है राजस्थान। कुर्सी पर बैठाना जानते हैं ना, तो कुर्सी का पांव है ना, जो कुर्सी का पांव, वो एक तोड़ना भी जानते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? जो इतना बड़ा अच्छा काम हुआ है, अरे तुम्हारी कांग्रेस जगमरा रही थी उस समय, पर वो जवाहरलाल नेहरू का बयान है, सरदार मनमोहन सिंह का बयान है, ये ममता बनर्जी कहती थी, तुम ही लोग कहते थे संसद के अंदर बढ़वो, तुम लोग तुम्हारी आत्मा मर गई क्या तुम लोगों की? बीजेपी का विरोध कर रहे हैं कि तुम लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हो? समझ गए तुम लोगों को? मेरे देश के नौजवान, आपसे निवेदन है मेरा कि इन गद्दारों को इतना हौसला कहां से मिलता है? जो लोग साले पत्थर सरिये तलवारें और ले लेके रोड पर निकल रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, बसें चला रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन भड़वाओं के लिए आपको भी निकलना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि संसद में बीजेपी आ गई, देश के अंदर पीएम बन गए तो बस हम जीत गए। अरे नहीं, बुद्धिनो हिजड़ो, निकलो रोड से बाहर, घरों से बाहर निकलो, उत्तर रोड पर, और उन गद्दारों को जवाब दो। पुलिस के समर्थन में, सरकार के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में आप सब लोगों को निकलना पड़ेगा रोड के ऊपर। साले हरामियों ने देश का माहौल खराब करके रखा है,
वो एक नंबर वन की नालायक आई पिया के देश और देश जाए भाड़ में खुद करे ऐस। घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो। किस बात का आंदोलन करे भाई बेवड़ी? देश के अंदर भेज, लोगों के आशय नहीं जलवा दिए तुम लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी सरकार को। और दूसरा मेरा निवेदन है देश के सभी प्रशासनों से, सभी जहां पर सरकार है सभी से निवेदन है कि जो योगी जी ने काम किया वो काम करें। साला एक सूअर का बच्चा।